ऐसी सरकार जो किसान को आंदोलन को खत्म करना चाहते हो, आंदोलन तो इनसे खत्म नहीं हुआ लेकिन इन्होंने किसान खत्म करने शुरू कर दिए। बीजेपी के षड्यंत्र से मार दिए गए। अब सरकार ये मानो उत्तर प्रदेश की पूर्ण रूप से उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। बीजेपी का झंडा लगाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता पैदल तरसेंगे। आपको रोकने वाला पैदा है कोई? तालिबान भाषा में बात कर रही है किसानों से और तालिबान भाषा की तरह ही किसानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आधी रात को हम पहुंचे हैं किसानों के बीच ये जानने के लिए कि क्या माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से आज लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी उसके बाद जो है वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया गया है। और ये भी खबर आ रही है कि अभी शहर में किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा। हालाँकि सारे तमाम जो है किसान नेता, राजनीतिक नेता जो है, चाहे विपक्षी पार्टियाँ, वो जाने की कोशिश कर रही लखीमपुर खीरी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आता है कि जिसमें घटना में जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो तमाम किसान हमारे साथ है। पहले बात करते हैं भाई साहब, क्या कैसे देखते हैं इस पूरे घटना को? पूरा इंटरनेट बंद कर दिया गया वहाँ पे और शहर में किसी भी जाने की एंट्री नहीं है इस टाइम। देखो, ये जो ये घटना है ये मानवता को ख़त्म करती है। और जिस तरह से सरकार के मंत्री के बेटे ने जो इस तरह से एक मानव संहार करा है, ये कृत्य है, बिल्कुल गलत है और इसे किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसी सरकार जो किसान को आंदोलन को ख़त्म करना चाहते हो, आंदोलन तो इनसे ख़त्म नहीं हुआ लेकिन इन्होंने किसान ख़त्म करने शुरू कर दिए। लेकिन मंत्री का ये कह रहे हैं कि हम मेरा बेटा वहाँ मौजूद नहीं था, कि अगर मेरा बेटा वहाँ मौजूद होता तो किसान उसे भी मार देता। आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप है। गलत बात बोल रहे हैं, वो तो उनके हाथ में रिवॉल्वर है, वो सारे चीज़ वहाँ किसान है, गवाह है। मैं किसान पर किसान थोड़ी झूठ बोल रहे हैं, एक किसान थोड़ी था, बहुत बड़ी संख्या में किसान वहाँ है। और फिर किसानों के साथ इस तरह से हो क्यों रहा भाई? किसान अपनी मांग मनवाने के लिए बैठे हैं, वहाँ हो या यहाँ हो, तो किसानों की बात सरकार क्यों ना सुनती? सरकार सुने, इनकी बात को सुन के और जो काले कृषि काले कानून है ने वापस ले, अपने घर भेजे। क्यों आंदोलन करा रहे हैं लोग? आंदोलन करने पे मजबूर कर रहे हैं। मजबूर कर रहे हैं, क्या लगता है और भी लोग? 10 महीने होने के बाद हो चुके हैं आप लोगों को बॉर्डर पर बैठे बैठे और आज जिस तरीके से घटना घटी है, कैसे देखते हैं पूरा? अरे, घटना घटी है भाई, किसान तो अपना कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग करेंगे मंत्रियों से, कहीं किसी मंत्री की संतुष्टि से नहीं जाकर मांग। वही मंत्री जिनको आपने चुनकर मंत्री बनाया है, जब भी तो कह रहे हैं उनसे ही मांग करने अपनी गए, विरोध दिखा रहे हैं। जब कभी बीजेपी सरकार बाहर ही गवर्नमेंट में नहीं, तेज रोड पर है भाई रोज रात दिन। आज किसान 11 महीने यहाँ हो गए और आज जो भी अपनी किसान बात करने के लिए गए वो किसान मार दिए गए, बीजेपी के षड्यंत्र से मार दिए गए, बीजेपी के तरीके से मंत्री के द्वारा मारे गए। बेटा भी मंत्री का है, मंत्री भी मंत्री है, उसी की गाड़ी है, अपने आप उसमें मर गए, गाड़ी हुई क्यारी कोई पता नहीं है। अब तो कल का इंतजार है, टिकैत साहब गए हुए हैं, यहाँ शांति बरतने की बात कह गए। अच्छा, कल 10 बजे से पूरे उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में जिला मुख्यालय पर 10 बजे से 1 बजे तक का धरना है। आगे का जैसा भी हमें आदेश मिलेगा वही निभाया जाएगा, लेकिन अब सरकार ये मानो उत्तर प्रदेश की पूर्ण रूप से उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। बीजेपी का झंडा लगाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता पैदल तरसेंगे। लेकिन जाने दिया जाएगा क्या? रोक लगा दिया, किसी को आने नहीं दिया रहा शहर में। आप अपने मीडिया से मालूम करो कि टिकैत साहब को रोकने वाला पैदा है कोई? वो किसानों के लिए गए, किसान सेवक हैं, वो नेता नहीं है। वो विधानसभा में लोकसभा में बैठने के लिए नहीं गए वहाँ, वो किसानों के दुख में सुख में आज उनके परिवार के 6-6, 8-8 लाश पड़ी हैं वहाँ। क्या रोने दोगे हमें? रो तो लें पहले, उसके बाद देखें क्या होता। भगवान बड़ा है, जो होगा। हम चाहेंगे सरकार बहुत जल्दी से जल्दी, योगी हो मोदी हो, उस मंत्री को बहिष्कार करें, भाई लिकाड़ के बाहर भगा में और बेटे के हथकड़ी डाल के जेल में पहुंचा में। क्या लगता है? योगी जी तो कह रहे हैं कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी जिसने भी ऐसा किया है। देखिए, उनको तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए, जो भी लोग इस घटना के लिए, एक मंत्री हैं अजय कुमार मिश्र और टॉनी उन्होंने पीछे लगाया हुआ है, और उनका बेटा, जो भी इस घटना के लिए जिम्मेवार हैं उन्हें तुरंत जो है उठा करके जेल में डाला जाए। और जो किसान हैं, जो हमारे इस घटना में जो शहीद हुए हैं किसान, उनको शहीद का दर्जा ये उत्तर प्रदेश सरकार दे, ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है। लेकिन सरकार तो बड़ा आरोप किसान पर ही लगा रही है। देखो, सरकार तो हम पे पिछले 10 महीने से आरोप प्रत्यारोप लगाती आ रही है,
और किसान आरोप भी झेल रहा है और 10 महीने से सर्दी बारिश और गर्मी भी झेल रहा है और फिर सर्दी आने वाली है। लेकिन इस सरकार को योगी जी आप ये समझ लो कि ये देश का किसान है, ये जब तक आपको सत्ता से नहीं बाहर कर देगा और अपने तीनों बिल जो हैं उनको वापसी नहीं करा लेगा और MSP पे कानून नहीं बनवा लेगा, ये जाने वाला नहीं है। आज हमारे जो किसान शहीद हुए हैं और हमने इन 10 महीनों में लगभग 700 से ज़्यादा अपने भाइयों को खोया, किसान भाइयों को, योगी जी हम किसी भी तरीके से डरने और हटने वाले लोग नहीं हैं। ये किसान कौम अपने तीनों बिल वापस करवा कर और MSP पर कानून बनवा कर रहेगी, हर हाल में रहेगी। लगातार लाठियाँ चल रही है, हरियाणा में खबर आ देती है कि लाठी चल के पुलिस की लाठी से किसान शहीद हो गए और आज ये बहुत बड़ी खबर है 5 किसान शहीद हुए हैं। सरकार तालिबान भाषा में बात कर रही है किसानों से और तालिबान भाषा की तरह ही किसानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान इस भाषा से नहीं दबेंगे और ना ही इस तरह से उत्पीड़न करके यहाँ से भागने वाले हैं। ये किसान कौम है, ज़मीन से जुड़ी हुई कौम है, ये किसी से डरने वाली नहीं है और अपने अधिकारों के लिए जो लड़ाई किसानों ने लड़ाई है इससे पीछे वो हटने के नहीं है। जब तक ये कृषि काले कानून सरकार वापस नहीं करती, MSP पे कानून नहीं बनाते, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। और आज हमें बहुत दुख है कि हमारे परिवार के 8 किसान शहीद हुए हैं, उनके लिए हमारी ओर से श्रद्धांजलि, लेकिन इस सरकार को, ऐसे सरकार को किसान कभी माफ़ नहीं करेगा। कुछ भी हो जाए तुरंत इंटरनेट बंद कर देते हैं। देखो इंटरनेट बंद करना चलाना वो सरकार की है कि कोई, लेकिन किसानों की बात को इंटरनेट बंद करके भी नहीं दबा सकते। ये हमारे किसान है, जय किसान जय जवान। बिल्कुल साफ तौर पे जो है किसानों से बात की, किसानों ने साफ तौर पे कहा है कि शांति बनाए रखने की अपील की है। राकेश टकैत ने पहुंचे हैं वो लखीमपुर खीरी और कहा है कि यहाँ पे शांति बनाए रखे, लेकिन किसानों ने ऐलान कर दिया है कि कल 10 बजे से लेके और 1 बजे तक जो है पूरे भारत के जिला मुख्यालय में एक बड़ा आंदोलन होगा और शहीद जो है शहीदों का दर्जा जो है किसानों से मांगा जाएगा सरकार से। और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब जो है हरियाणा के बाद पंजाब हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की जो एक झंडा है वो भी नहीं देखने को मिलेगा और जो है सत्ता से इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। लेकिन क्या होगा देखते हैं, लगातार बने रही अपडेट हमको दिखाते रहेंगे पल पल की खबर लखीमपुर की।